मैं आपको सुपर चॉकलेटी चोकोलावा केक बनाने का इतना ज्यादा आसान तरीका बताऊंगी कि आपका जब भी मन करेगा तो आप फटाफट से इसे घर पे बना पाओगे, वो भी बिना बेक किए सिर्फ एक मिनट में। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम 10 पीस ओरियो बिस्किट ले लेंगे और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। और अगर आपके पास ओरियो बिस्किट नहीं है तो आप अपनी पसंद का कोई और भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हो। और अब हम इसमें 3-4 चम्मच चॉकलेट सिरप ऐड करेंगे। और ये देखिए, एकदम मार्केट जैसा चॉकलेट सिरप लग रहा है ना, इसे मैंने पानी से बनाया है, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को देखिए और अब एकदम मार्केट जैसा चॉकलेट सिरप घर पे बनाइए। और की रेसिपी लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जरूर से चेक कीजिए। अब बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। और बस एक खास बात का ध्यान रखिएगा, बिस्किट का जो डो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। अगर डो हार्ड होगा तो केक भी हमारा हार्ड बनेगा। और अब हम एक कपकेक मोल्ड या कोई सी भी छोटी कटोरी ले लेंगे और उसमें पहले थोड़ा ऑयल स्प्रेड करेंगे। अब जो हमने डो रेडी किया है उसे पूरे मोल्ड में अच्छे से स्प्रेड करेंगे, फिर इसे थोड़ा हल्के हाथ से दबा देंगे ताकि ये जो बिस्किट का डो है वो अच्छे से मोल्ड का शेप होल्ड कर ले। और मैं बहुत जल्द एकदम मार्केट स्टाइल सुपर चॉकलेटी एंड क्रीमी चॉकलेट केक की भी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे खा के आपको मजा आ जाएगा। तो उसके लिए फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका फेवरेट केक कौन सा है ये भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं उसकी भी रेसिपी शेयर कर सकूँ। और अब केक के बीच में ऐसे थोड़ी सी जगह बना लेंगे, फिर इसे चॉकलेट सिरप से अच्छे से भर देंगे। और अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप डेयरी मिल्क या डार्क चॉकलेट में भी थोड़ा सा गर्म दूध ऐड करके उसे मेल्ट करके यूज कर सकते हो। अब बस आप ये मजेदार चोकोलावा केक एंजॉय करो और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी जरूर से शेयर करो, ताकि वो लोग भी ये मजेदार केक एंजॉय कर सके। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करो, ताकि हम वहाँ भी खूब सारी बातें और मस्ती करें।